हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में एक बार फिर मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र, आपका एमजे सर मनमोहन जोशी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन CIC, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, के बारे में सारी जानकारी जो आपको होनी चाहिए। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में प्रावधान है। धारा 12 सेक्शन 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में प्रावधान है। धारा 13 सूचना आयुक्तों की पदावधि और उनकी सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान करती है, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेस। वहीं धारा 14 उन्हें हटाने के बारे में प्रावधान करती है, रिमूवल ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में जो प्रावधान है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही एग्जाम में आपके काम का है। तो केंद्रीय जो सूचना आयोग होगा, जिसे हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन CIC कहेंगे, उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। इनकी जो अपॉइंटमेंट या नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है नियुक्ति के बारे में, लेकिन यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। यह समिति बनती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक संघीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो ये समिति अनुशंसा करती है और इनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों का चयन सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त व्यक्तियों में से किया जाता है। तो इनकी योग्यता क्या है कि ये सार्वजनिक जीवन में किसी तरह के उत्कृष्ट ज्ञान से संबंधित रहे हों, जैसे विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन या शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किसी को मनोनीत किया जा सकता है। आयोग के मुख्यालय के बारे में प्रावधान यह है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, लेकिन केंद्र की सरकार भारत के अन्य क्षेत्रों में भी कार्यालय स्थापित कर सकती है। तो इसकी शक्तियां और कार्य क्या होंगे, तो इसकी शक्तियां और कार्य के बारे में प्रावधान अधिनियम की धारा 18 से 20 में दी गई हैं। तो वन बाई वन नोट कर सकते हैं कि इनकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला, अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है। तो ये किस तरह से जांच और शिकायत प्राप्त करने के बाद कार्य करेगा, वो वन बाई वन इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि वह लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है क्योंकि अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, या सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन या अपील को लेने से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो केंद्रीय सूचना आयोग मामले को स्वीकार करेगा, जांच करेगा। या जिसे इस अधिनियम के अधीन मांगी गई कोई सूचना नहीं मिल पाई हो, ऐसा व्यक्ति भी सीधे शिकायत कर सकता है और उसकी शिकायत की जांच केंद्रीय आयोग द्वारा की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं मिल पाई हो या आवेदन का उत्तर नहीं दिया गया हो, तो वो भी सीधे शिकायत कर सकता है केंद्रीय सूचना आयोग को। ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि इस अधिनियम के अधीन उसे अपूर्ण या भ्रम में डालने वाली कोई सूचना दे दी गई है या उसे मिथ्या गलत सूचना दे दी गई है, तो वह भी सीधे आयोग से संपर्क कर सकता है और आयोग मामले की जांच करेगा। इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने वाले या उन तक पहुंच प्राप्त करने वाले किसी भी विषय के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या या शिकायत है, तो वह सीधे आयोग तक पहुँच सकता है और आयोग उसकी जाँच करेगा। आयोग का यदि यह विनिश्चय हो जाता है कि प्रकरण में जांच के लिए युक्तिसंगत आधार हैं, तो वह ऐसे प्रकरण की जांच आरंभ कर सकता है। आयोग को किसी विवाद के विचारण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्ति भी प्राप्त होती है। तो सिविल न्यायालय के तहत उसको क्या क्या शक्तियां प्राप्त होंगी, वन बाय वन ये भी नोट कर लेते हैं। सबसे पहला तो यह कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है, समन कर सकता है और उसकी शपथ पर परीक्षा कर सकता है, लिखित या मौखिक, मतलब गवाही ले सकता है, या किसी दस्तावेज की तलाशी करवा सकता है और उसे पेश करने के लिए आदेशित कर सकता है। एफिडेविट या शपथ पत्रों पर भी वह साक्ष्य ले सकता है। आयोग किसी अदालत या कार्यालय में कोई सार्वजनिक यदि डॉक्यूमेंट है, अभिलेख है, तो उसकी भी कॉपी मंगवा सकता है। साक्षी और डॉक्यूमेंट के परीक्षण के लिए आदेश आयोग कर सकता है, और ऐसा कोई कार्य आयोग कर सकता है जिसके लिए उसे शक्तियां दी जाएंगी, समय समय पर विहित की जाएंगी।
अधिनियम की धारा 13 में पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त कितने समय तक पद पर बने रहेंगे, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो बड़ा ही आसान है, 5 वर्ष और 65 वर्ष, इन दो समयावधियों को ध्यान में रख लें कि 5 साल तक वो पद पर बने रहेंगे जो समयावधि है, या 65 साल 65 ईयर्स तक वो पद पर बने रहेंगे, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। मतलब यदि कोई व्यक्ति 64 ईयर्स में आयोग में आता है आयुक्त बनकर, तो 65 साल में रिटायर हो जाएगा, लेकिन वहीं 59 ईयर्स में आता है तो 64 ईयर्स में रिटायर होगा, दोनों में से जो भी पहले हो। धारा 14 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के हटाए जाने या उनके त्याग पत्र के बारे में प्रावधान है, रिमूवल ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो इनको हटाने के लिए जो उपबंध है उस पर आने से पहले त्याग पत्र के बारे में प्रावधान समझ लें कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त दोनों ही अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को सौंपेंगे, तो दोनों ही त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। हटाने के बारे में प्रावधान ये है कि यदि राष्ट्रपति को पता चलता है कि आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त कदाचार या असमर्थता के दोषी हैं, तो दो शब्द हमारे पास में हैं, एक है मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट, और दूसरा है इनकैपेसिटी। तो आयोग सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट मंगवाएगा और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर ही उन्हें पद से हटा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की आवश्यकता है कि आयोग से इनको पद से कैसे हटाया जाएगा। कुछ अन्य आधार भी हैं जिन पर राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या आयुक्त को पद से हटा सकते हैं, वो भी वन बाई वन नोट डाउन कर लें। सबसे पहला है यदि उसे दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया है, इज एडजस्ट एन इंसॉल्वेंट, या ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता शामिल है, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड, या अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैधानिक नियोजन में रोजगार में लगता है, एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है, इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, या उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर लिए हैं जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, हैज अक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली हिज फंक्शंस एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये था वो सारी जानकारी जो कि मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में आपको जाननी चाहिए यदि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ रहे हैं या इस अधिनियम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, उसके कार्य, शक्तियाँ, आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि, उसकी शर्तें, त्यागपत्र, हटाया जाना आदि के बारे में बहुत डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, और आप जिस भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब या किसी और स्टेट में, UP, बिहार में, बहुत सारे स्टेट से लोग इस लेक्चर सीरीज़ को सुन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है लेक्चर सीरीज़। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें हर एक उस प्रतिभागी एस्पायरेंट तक या उस व्यक्ति तक जो कानून की जानकारी रखना चाहता है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर, आपकी ज्ञान ही आपकी ताकत है, और लॉ की जानकारी तो सर्वोच्च नॉलेज माना जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और आपके संदेश मुझे कमेंट बॉक्स में पहुँचाते रहें। यदि आप मुझसे कुछ और बात कहना चाहते हैं तो आप मुझे conect.mmjoshi connect.mmjoshi@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।